बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बाज़िल फैशन डिज़ाइनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए आई हूँ बिल्कुल अलग सी वीडियो। ये देखें, ये मेरे पास ये एक ओल्ड अबाया पड़ा था, इसको मैं कन्वर्ट करूँगी एक ब्यूटीफुल से ट्राउज़र में। ये देखें, ये ओल्ड था, ये इसका दामन है, दामन का घेर जाता है, तो यहाँ से हम अपना आसन निकालेंगे ताकि हमारे ट्राउज़र में भी घेर हो। और जो ऊपर की तरफ से ये थोड़ा सा फिट सा था, तो यहाँ से हम अपना पैंची निकालेंगे। अब हम इसको दोनों साइडें पकड़ के फोल्ड करेंगे, इसको अच्छे से बिछा लेंगे। देखिए, नीचे से भी हमने कॉर्नर पकड़ लिए हैं ठीक से, और हम इसको सीधा बिछा लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी लेंथ निकालेंगे। अच्छा, लेंथ हमने लेनी है 38 इंच। ठीक है, टोटल लेंथ हम 38 इंच लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे 38 इंच पे, और फिर इसको सिंपली कट कर लेंगे। इसी तरह से आपके घर में भी कोई इस तरह से कोई पीस पड़े हो, बुरका पड़ा हो या कुछ और पड़ा हो, तो आप अपने रीयूज़ कर सकते हैं उसको। ये देखें, ये स्टिच होने के बाद पता भी नहीं चलेगा ये हमारा अबाया था जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया है ट्राउज़र में। इसको हम सिंपली कट कर लेंगे जहाँ तक हमने ये मार्किंग की थी, ये हमने इसकी लेंथ निकाल ली है। अब इसको हम फिर से ठीक से बिछा के अब हम इसके आसन की कटिंग करेंगे। ये जर्सी का कपड़ा है, इसीलिए थोड़ा बार बार इधर उधर हो जा रहा है और कटिंग करने में भी थोड़ा मसला हो रहा है। अच्छा, यहाँ से चौड़ाई की तरफ से जो हमारे नीचे घेर था अबाया का, वहाँ से हम इसकी मार्किंग कर रहे हैं आसन की, जो कि हम 16 इंच पे करेंगे, और अंदर तकरीबन 2.5 इंच लेके हम इसको इस तरह से राउंड घुमा देंगे और इसको सिंपली कट कर लेंगे। इसी दौरान आप मेरे चैनल पे नए और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल। वीडियो पसंद है तो बिग लाइक दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। जो एक्स्ट्रा मुझे लग रहा था थोड़ा सा, मैंने और इसको कट कर दिया। ये हमारा देखिए यहाँ से नेफा फोल्ड होगा। अब हम इसके नीचे से पैंची की कटिंग कर लिए। पैंचा हमने तकरीबन 7 इंच पे निशान लगाया था और इसको हमने आसन से इस तरह से मिला दिया था। ये मैं ज़्यादा फिट ट्राउज़र नहीं बना रही हूँ, चाहे तो आप इसको और फिट भी कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रेचेबल कपड़ा है, तो ये हमारा लेगिन भी इस तरह से कट हो सकता है, हम इसको लेगिन भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारी कटिंग हो गई है। फिर जो ये एक्स्ट्रा कपड़े निकल रहे होंगे इसको हम थोड़ा सा और कट कर देंगे, इसको बराबर कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमने इसको कट कर लिया। अब हम इसको सिंपली स्टिच करेंगे, इस तरह से पैंचे फोल्ड करेंगे और ये आसन की सिलाई लगा लेंगे, नेफा बना लेंगे और यहाँ से पूरे ही सिलाई लगा लेंगे पैंचों की। इसकी मैं आपको स्टिचिंग नहीं दिखा रही हूँ, ये बहुत ईजी है। देखिए, ये हमने तैयार कर लिया है अपना ट्राउज़र, इसमें इलास्टिक भी डाल ली है और ये बहुत ईजिली स्टिच हो गया था। इसी तरह से आप अपने घर में भी कोई रीयूज़ कपड़े लेके उनको कुछ ना कुछ बना सकते हैं। देखिए, ये हमने पैंचे थे। अच्छा, घर में मेरे ये 2 बंचेज और भी पड़े हुए थे, ये किसी पैच पे से बचे थे, तो इनको मैंने इस तरह से काव्य की मदद से निकाल के इनको भी यहाँ पे फैब्रिक ग्लू की मदद से पेस्ट कर लिया है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ट्राउज़र बन गया है। कोई भी नहीं कह सकता कि ये हमने अबाया से बनाया है, इसको अबाया से कन्वर्ट किया है एक ट्राउज़र में। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।